Hello friends, my name is Social Media and welcome again to my channel. Today we are discussing about Torch Profile Test. Torch Profile और Torch Panel Test. Friends, आपने thumbnail के माध्यम से भी देखा है कि इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन मेथड्स कौन से होते हैं Torch Profile करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं देन रिक्वायरमेंट्स सैंपल इक्विपमेंट्स क्या चाहिए होगा हमें टॉर्च प्रोफाइल टेस्ट लगाने के लिए देन हम प्रोसीजर पे बात करेंगे एंड लास्ट इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट पर हम बात करेंगे. सो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से. इट इज़ ए कैटेगरी ऑफ ब्लड टेस्ट कॉल्ड इन्फेक्टियस डिजीज एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट IDAT. फ्रेंड्स, टॉर्च प्रोफाइल टेस्ट एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसे हम इन्फेक्टियस डिजीज एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट भी कहते हैं. इसे IDAT इसलिए कहा जाता है बिकॉज इस टेस्ट के माध्यम से हम किसी भी पेशेंट में इन्फेक्शन की एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करते हैं. टॉर्च स्क्रीन इज ए टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट वूमेन और न्यूबॉर्न और वी कैन ऑल्सो से डेट वूमेन्स बिकॉज टॉर्च सिंड्रोम और टॉर्च इन्फेक्शन मे बी पास्ड ऑन टू ए फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फ्रेंड्स, टॉर्च स्क्रीन का जो टेस्ट होता है वो हम मोस्टली प्रेगनेंट वूमेन में करते हैं, वूमेन्स में भी करते हैं साधारण और न्यूबॉर्न में भी करते हैं. प्रेग्नेंट वूमेन में करने का उद्देश्य ये होता है कि प्रेग्नेंट वूमेन में ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं वो फीटस को भी हार्म कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इसी वजह से टॉर्च स्क्रीन टेस्ट मोस्टली प्रेग्नेंट वूमेन के लिए किया जाता है. टॉर्च टेस्ट मेजर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द फॉर्म ऑफ IgG और IgM against a specific group of infectious disease and their level of concentration in the blood. तो फ्रेंड्स, यही इसमें कह रहा है कि टॉर्च टेस्ट बेसिकली एंटीबॉडीज के प्रेजेंस को और उसके कंसंट्रेशन लेवल को डिटेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ IgG और IgM against a specific group of infectious disease में. मतलब एक से ज़्यादा अगर बीमारी होती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज. उसमें जो भी एंटीबॉडीज रिलीज होंगी उसे जो है हमारा टॉर्च टेस्ट डिटेक्ट कर लेगा, मेजर कर लेगा. टॉर्च इज ए एक्रोनिम फॉर ए ग्रुप ऑफ 5 इन्फेक्टियस डिजीजेस. टॉर्च एक एक्रोनिम है, लघु रूप है 5 इन्फेक्टियस बीमारियों का. ये बीमारियां कुछ इस तरह हैं. टी स्टैंड फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ फॉर अदर डिजीजेस लाइक सिफिलिस एंड HIV एक्सेट्रा. आर इज रूबेला, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मन मीजल्स. सी फॉर साइटोमेगालोवायरस एंड H हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस. आपने इससे पहले सेंटेंस में पढ़ा था ग्रुप ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज को में जो एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं उन्हें टॉर्च टेस्ट मेजर करता है. तो वो ग्रुप ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज जो थे वो यही पाँचों हैं. जब ये पाँचों होते हैं तो एंटीबॉडी जो है बॉडी बनाती है और उन्हीं एंटीबॉडी को टॉर्च टेस्ट IgG और IgM फॉर्म में मेजर कर लेता है. दोस्तों, लिटिल बिट हम इन बीमारियों के बारे में जान लेते हैं बिकॉज अक्सर एग्जाम में इन बीमारियों के बारे में लिटिल बिट तो पूछता ही है कि कॉज कैसे हुआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. सो टॉक्सोप्लाज्मोसिस से हम स्टार्ट करते हैं. टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज ए डिजीज which is caused by Toxoplasma gondii parasite. Toxoplasmosis एक डिजीज है, बीमारी है जो Toxoplasma gondii parasite के द्वारा होता है. So it is caused by Toxoplasma gondii. Now mode of transmission, ये humans तक कैसे फैलता है. तो पहला है handling of excrement of infected cat. अगर कोई cat infected है और आप उसके excrement का handling किए तो ये बीमारी आपको हो जाएगी. दूसरा है ड्रिंकिंग अनपाश्चराइज्ड गॉड्स मिल्क. अगर आप बकरी के दूध को बिना उबाले पी लेते हैं और वो इन्फेक्टेड थी तो आपको भी ये हो जाएगा. एंड थर्ड है ईटिंग कंटामिनेटेड मीट. अगर मीट भी आप
खाते हैं कंटामिनेटेड है जिसमें ये पैरासाइट मौजूद था, तो ये आपको भी हो जाएगा। सिफिलिस, सिफिलिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सो इट इज कॉज बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें जो होता है सिफिलिस का, मोस्टली सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से सिफिलिस होता है एंड ब्लड कॉन्टेक्ट के द्वारा भी होता है। रूबेला, सो रूबेला इट इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स, इट इज ए डिजीज विच इज कॉज बाय रूबेला वायरस। सो रूबेला को हम जर्मन मीजल्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ये रूबेला वायरस के द्वारा होता है, सो इट इज कॉज बाय रूबेला वायरस। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन होता है बाय रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा। जैसे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो कफ किया या स्नीच किया, खांसा या छींका और आप जो है आप पर वो पड़ गया, तो आपको भी रूबेला वायरस हो जाएगा, रूबेला डिजीज। एंड सेकेंड जो इसका है ये है सेलिवरी सिक्रेशन, जब कोई बात करता है तो उसके मुंह से सलाइवा निकलता है, वो सलाइवा अगर आपके अंदर पहुंच गया तो आपको भी रूबेला नामक बीमारी हो जाएगी। साइटोमिगैलो वायरस, इट इज ए वायरस विच इज बिलोंगिंग टू द हर्पीज फैमिली ग्रुप। ये एक वायरस है जो हर्पीज फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये हर्पीज नामक इन्फेक्शन भी फैलाएगा। इट कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, कॉन्जेनाइटल एज वेल एज प्राइमरी। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन को कॉज करता है, कॉन्जेनाइटल भी करता है प्राइमरी भी करता है। प्राइमरी में एडल्ट्स में मोनोन्यूक्लियोसिस जैसे साइन देखने को मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन की अगर इसकी बात करें तो बॉडी फ्लूड्स के द्वारा होता है, एग्जाम्पल सलाइवा, सीमेन और ब्लड के द्वारा। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और ब्लड ट्रांसमिशन के द्वारा भी ये साइटोमिगैलो वायरस ट्रांसमिट करता है। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, HSV, HSV इज ए वायरस दैट कॉज हर्पीज इन्फेक्शन। HSV एक वायरस है जो हर्पीज इन्फेक्शन को कॉज करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, दो तरह के हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस होते हैं दोस्तों, HSV-1 हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 और HSV-2 हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2। अब इन दोनों के डिटेल में नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। सो बस इतना जान लें कि जो है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस दो तरह के होते हैं, एक HSV-1 एक HSV-2। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें HSV की, तो ओरल टू ओरल कॉन्टैक्ट से होता है, और जब ओरल टू ओरल कॉन्टैक्ट से होता है तो ओरल हर्पीज इन्फेक्शन कॉज करता है। सेकेंड इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो ओरल टू जेनाइटल कॉन्टैक्ट होता है, इसमें जो है जेनाइटल हर्पीज इन्फेक्शन कॉज करता है ये। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द मेथड्स वी यूज फॉर टॉर्च टेस्ट। सो दोस्तों अब हम जानेंगे टॉर्च टेस्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं। सो सबसे पहला मेथड है रैपिड टेस्ट मेथड। रैपिड टेस्ट मेथड मोस्टली यूज होने वाला मेथड है टॉर्च टेस्ट के लिए, सभी लेबोरेटरीज में यही टेस्ट होते हैं ज़्यादातर। सेकंड मेथड है एलाइजा टेस्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा टेस्ट, यह आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और स्पेलिंग सही होनी चाहिए। थर्ड हमारा जो मेथड है टॉर्च टेस्ट करने के लिए वो सिलिया टेस्ट के द्वारा। सिलिया का फुल फॉर्म होता है केमी ल्यूमिनेसेंट इम्यूनो एसे टेस्ट, इसके जरिए भी हम टॉर्च टेस्ट लगाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम रैपिड टेस्ट के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि मोस्टली लेबोरेटरीज में यही होता है परफॉर्म, और एक्यूरेट मेथड भी इसे कहा जाता है, डेट इज़ वाई मोस्ट लेबोरेटरीज ने इसे अपनाया हुआ है। सो आज इसी के बारे में हम जो है इसके प्रोसीजर के बारे में जानने वाले हैं। रिक्वायरमेंट फॉर द रैपिड टेस्ट, सो फ्रेंड्स रैपिड टेस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमें सैंपल चाहिए होता है फ्रेंड्स, बिना सैंपल के आप टेस्ट लगा ही नहीं सकते। सो सैंपल में आपको चाहिए सीरम, प्लाज्मा या होल ब्लड। नाउ सेकंड बात इक्विपमेंट्स की, इक्विपमेंट्स में भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको टॉर्च किट चाहिए, बेसिकली CTK बायोटेक की किट के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये जो टॉर्च किट है CTK का, ये मोस्ट एक्यूरेट है।
और ये IgM एंटीबॉडीज के साथ IgG एंटीबॉडीज को भी डिटेक्शन देता है। डेट इज़ वाई हमने इसे अपने वीडियो में सम्मिलित किया है। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट इसका नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और इसका एक और खूबी ये है CTK बायोटेक का टॉर्च किट का कि इसमें होल ब्लड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदर टॉर्च किट में आप होल ब्लड का यूज़ नहीं कर सकते। अदर किट में जो है आपको IgG एंटीबॉडीज का भी डिटेक्शन नहीं मिलता है। डेट इज़ वाई मैंने इस किट को जो है इस किट के बारे में बताना जो है ज़रूरी समझा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर ऑफ द रैपिड टेस्ट। दोस्तों अब हम जानेंगे ये रैपिड टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। दोस्तों प्रैक्टिकली मैं जो है इसका अलग वीडियो बना दूंगा और जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकल भी तो जानना जरूरी है वरना आप लिखेंगे क्या। सो लेट अस स्टार्ट। ब्रिंग द स्पेसिमेन एंड टेस्ट कंपोनेंट टू रूम टेम्परेचर इफ रेफ्रिजरेटेड और फ्रोजन। कह रहा है दोस्तों अगर आपने अपने स्पेसिमेन को कोई भी वायल में रखा था, आपने बेसिकली जो है आपने रेड में रखा था मान लीजिए सीरम के लिए, और आपने जो है टॉर्च किट को भी रख दिया था फ्रिज में, तो उसको निकालिए और रूम टेम्परेचर पे 2-4 मिनट के लिए रख दीजिए। देन ओपन द पाउच एट द नोज एंड रिमूव द डिवाइस। फिर उसके बाद अपने टॉर्च किट को फाड़िए और उससे डिवाइस को निकाल लीजिए। बेसिकली टॉर्च किट में क्या क्या होता है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। नाउ थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, प्लेस द टेस्ट डिवाइस ऑन ए क्लीन फ्लैट सर्फेस एंड लेबल विथ स्पेसिमन ID नंबर। यहां कह रहा है जो टेस्ट डिवाइस आप निकालेंगे उसे फ्लैट सर्फेस पे रख दीजिएगा और जो भी आपकी स्पेसिमन की ID नंबर है उस पर चढ़ा दीजिएगा ताकि आपसे जो है मिस्टेक ना हो कि ये किसका सैंपल है। फिर फिल द प्लास्टिक ड्रॉपर विथ स्पेसिमन। उसके बाद प्लास्टिक ड्रॉपर में आपको स्पेसिमन को ले लेना है। प्लास्टिक ड्रॉपर भी आपको टॉर्च किट में मिल जाएगी। उसमें लेने के बाद डिस्पेंस 1 ड्रॉप ऑफ सीरम प्लाज्मा एंड होल ब्लड इनटू द सैंपल वेल इन ईच पैनल एंड अवॉइड एयर बबल्स। उसके बाद आपको 1 ड्रॉप सीरम या प्लाज्मा या होल ब्लड जो भी आपने लिया है उसको सैंपल वेल में ईच पैनल के हर एक किट के डाल देना है 1-1 ड्रॉप, और ध्यान रहे एयर बबल्स ना जाए। देन एड 2 ड्रॉप ऑफ सैंपल डाइल्यूएंट टू द सैंपल वेल इन ईच पैनल। उसके बाद आपको 2 ड्रॉप जो है सैंपल डाइल्यूएंट डाल देना है उसी सैंपल वेल में जहां आपने स्पेसिमेन को डाला था, वहीं पे आपको 2 ड्रॉप सैंपल डाइल्यूएंट का डाल देना है इन ईच पैनल हर एक किट में। देन सेट अप द टाइमर। उसके बाद आपको टाइमर को सेट कर देना है। रीड रिजल्ट एट 10 मिनट्स। टाइमर सेट करने के बाद 10 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट को रीड कर लेना है। नाउ यहां मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, सैंपल डाइल्यूएंट का यूज यहां पे क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ सैंपल डाइल्यूएंट इन द रैपिड इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट ऑफ टॉर्च टेस्ट। व्याख्या और परिणाम टॉर्च टेस्ट का। दोस्तों जब भी हम टॉर्च टेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट 2 फॉर्म में देते हैं। पहला निगेटिव रिजल्ट। निगेटिव रिजल्ट का मतलब होता है कि उस पेशेंट के सैंपल में ना ही IgM और ना ही IgG दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं थी और इसी वजह से हम उसे निगेटिव रिजल्ट देते हैं। साधारण भाषा में अगर बोलें तो इसका मतलब होता है कि उस पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। दूसरी तरफ पॉजिटिव रिजल्ट हम देते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट हम तब देते हैं जब उस पेशेंट के सैंपल में IgM या IgG या दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो उस कंडीशन में हम रिजल्ट पॉजिटिव देते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस एंटीबॉडीज। सो इफ सपोज गाइज इफ IgM एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सैंपल, सो इट गिव IgM पॉजिटिव रिजल्ट। एंड IgM पॉजिटिव रिजल्ट मीन्स यू हैव एन एक्यूट इन्फेक्शन। दोस्तों अगर IgM पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है उस पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है। वाइल इफ IgG पॉजिटिव सो इट इंडिकेट पास्ट इन्फेक्शन और लेटेंट इन्फेक्शन। और वहीं अगर IgG पॉजिटिव आता है तो इसमें डरने की बात नहीं है, इसका मतलब होता है कि आपको पास्ट में या फिर लेटेंट इन्फेक्शन हुआ था, कभी पहले हुआ था, अभी कोई इन्फेक्शन नहीं है। एंड इफ IgG और IgM बोथ आर पॉजिटिव
सो इट इंडिकेट लेट एक्यूट इन्फेक्शन और रिकरेंट इन्फेक्शन। तो दोस्तों अगर ये दोनों ही एंटीबॉडीज पेशेंट के सैंपल में पाई गई पॉजिटिव रिजल्ट आया तो इसका मतलब हुआ उस पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन है। नाउ वी आर डिस्कसिंग रूबेला टेस्ट रिजल्ट सेपरेटली बिकॉज दिस रिजल्ट गिव्स इन द फॉर्म ऑफ सेमी क्वांटिटेटिव एंड दियर किट इज ऑल्सो डिफर फ्रॉम अदर टेस्ट। दोस्तों अब हम रूबेला टेस्ट के रिजल्ट के बारे में जानेंगे। इसे सेपरेटली हम इसीलिए जान रहे हैं बिकॉज इसकी किट भी अलग होती है और इसका रिजल्ट हम सेमी क्वांटिटेटिव फॉर्म में देते हैं। जैसा कि आप लोग इसके किट में देख रहे हैं, इसमें तीन लाइनें होती हैं M, G1 और G2 की। आपको पता है M अगर लाइन शो होती है तो इसका मतलब होता है एक्यूट इन्फेक्शन का, वहीं पर अगर G1 या G2 आ जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, G1 G2 को जानने से पहले आपको जानना होगा इस किट के थोड़ा सा किट के बारे में कि बेसिकली इस किट में G1 G2 लाइन इसीलिए दिया गया है क्योंकि हर एक किट की एक लिमिट होती है डिटेक्शन करने की। इस किट की भी एक लिमिट है, जैसे G1 के लिए इसने लिमिट दिया है 15 IU/mL और G2 के लिए दिया है 250 IU/mL। G1 तभी जो है लाइन शो करेगा जब 15 IU/mL तक एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी पेशेंट के सैंपल में, और G2 तभी शो होगा जब सैंपल में 250 से ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। सो बेसिकली दिस G1 एंड G2 लाइन आर प्रेजेंट टू डिफरेंशिएट एक्टिव इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी। सो हाउ? सो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड WHO IgG लेवल इक्वल टू 15 और ग्रेटर देन 15 IU/mL इंडिकेट प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी और पास्ट इन्फेक्शन, वाइल 250 IU/mL इंडिकेट एक्टिव इन्फेक्शन।